गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? गृहस्थ आश्रम शब्द का अर्थ होता है मर्यादा, चाहे वह राष्ट्र हो, समाज हो, परिवार हो, घर हो, व्यक्ति हो, मर्यादा पर ही टिका हुआ है। मर्यादा नैतिकता को अगर जीवन से, जगत से हटा दिया जाए, जगत का, जीवन का, मानव का कोई परिचय ही नहीं बनता है। अतः गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है कि शास्त्र में आप्त पुरुषों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, या समान गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो परिवार के लोग भी जो अच्छे शब्द कहें, अच्छे आदेश दें, उसको जीवन में उतारना, और हमारे जीवन में किसी प्रकार के दोष हो, खामियां हो, त्रुटि हो, उसको त्याग करके और अपने हर कर्म में परमात्मा की भावना करके उस कर्म को नियमित और नैतिकता से मर्यादा पूर्ण करना, यह गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये भी होता है किसी चीज का त्याग नहीं करना है। खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे के साथ रहें, लेकिन सब में परमात्मा की भावना और याद बनी रहे, तो वह गृहस्थ आश्रम जो साधक बड़े बड़े साधना करके जिन तत्व को प्राप्त करते हैं, उस तत्व को गृहस्थ अपनी मर्यादा में रह करके प्राप्त, लक्ष्य हमारा मुख होना चाहिए। केवल कर्म नहीं, कर्म है, लेकिन कर्म के साथ साथ लक्ष्य भी होना चाहिए। एक डॉक्टर होते हैं, उनका लक्ष्य है रोगी के रोग को ठीक करना, वो भी चाकू और कैंची से ही काट लेते हैं, लेकिन किसी को भय नहीं होता है, बल्कि उसके बदला में उनको हम लोग पुरस्कार के रूप में कुछ देते भी हैं। एक चोर जो होता है उसका लक्ष्य गलत है, उसको देखते ही हम भयभीत हो जाते हैं, जबकि दोनों चाकू और कैंची से ही काम करते हैं, लेकिन एक से भय हो जाता है और एक के प्रति प्रसन्नता होती है। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा समाज का, जगत का, व्यक्ति का, राष्ट्र का हित हो और मंगल हो, ऐसा अगर भावना से ओतप्रोत होकर के हम परिवार में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, जगत का कल्याण करने वाला है, इसे जगत, राष्ट्र, समाज समृद्ध होगी, यही गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है। तो बार बार कथा में हम कहते ही रहते हैं गृहस्थ आश्रम में 600 का मतलब, गृहस्थ आश्रम होने का मतलब ही होता है कि सबसे पहले तो घर में कुछ न कुछ रुपया पैसा का आगमन हो, अर्थागमो, रोज घर में मर्यादापूर्ण अर्थ का आगमन होना चाहिए, गलत तरीका से नहीं। आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना, या इसके लिए प्रयास करना, ये गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। सुंदर घर में पत्नी होना, माने मर्यादा से रहने वाली स्त्रियों के साथ वैवाहिक मर्यादा को स्वीकार करके गृहस्थ आश्रम को बिताना, है तीसरा सुख है। और उसका, उस स्त्री का व्यवहार आचरण भी अच्छा होना, ये चौथा गृहस्थ का सुख है। घर में संतान जो होना चाहिए वह भी मर्यादा वाला होना चाहिए, और हमारी शिक्षा जो होनी चाहिए वो अर्थ उपार्जन वाली होनी चाहिए। यह 6 गृहस्थ आश्रम का सुख बताया गया है। ये 6 सुख को गृहस्थ अगर सही माने में प्राप्त करने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, तो गृहस्थ आश्रम में रहने का, गृहस्थ आश्रम बने रहने का वह अधिकारी है। जिसके पास यह नहीं हो या इसका प्रयास नहीं करता है, तो शास्त्र से वह गृहस्थ में होते हुए भी गृहस्थ का अधिकारी नहीं है, उसका जीवन गृहस्थ आश्रम में रहने का नहीं है। भले वह रह रहा है लेकिन किसी तरह से जी रहा है, जैसे पशु भी बोझे ढोते रहते हैं, पशु भी खाते रहते हैं, पशु भी सोते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। जब तक हम मर्यादा नैतिकता से नहीं रहते हैं, तब तक हमारे खाने का, पीने का, चलने का, बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए ये 6 सुखों से संपन्न होकर के अगर जीवन जिया जाए, तो सही माने में गृहस्थ के 6 सुख हमारे राष्ट्र और समाज के लिए मंगलमय होते हैं, यही गृहस्थ का 6 सुख है। मानव जीवन का रहस्य क्या है महात्मा? मानव जीवन का रहस्य है कि अपने परम तत्वों की प्राप्ति, परम तत्वों को जानना, परम तत्वों को पहचानना, परम तत्वों के प्रति समर्पित होना। परम तत्व माने हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं, क्या हमें करना चाहिए, इस तरह विचार करते हुए अपने अपने जीवन को जीना, यही मानव का अपने आप रहस्य है। केवल हमें संसार में आगे ही बहुत बड़ा परिचय नहीं है, आने को तो 84 लाख दुनिया आई हुई है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए ग्राह्य क्या है, हमारे लिए उपास्य क्या है, हमारे लिए ध्येय क्या है, हमारे लिए गेय क्या है, हमारे लिए प्रिय क्या है, हमारे लिए श्रेय क्या है, इत्यादि पहलू पर, आर्टिकल पर, कंडीशन पर जानकर, विचार करके, और जो शास्त्र इत्यादि में निषेध कर्म है उनको त्याग कर, शास्त्र में जिसको आज्ञा दिया गया है उस पर चलना, यह मानव जीवन का रहस्य है।